बस अफसोस कर सकते हैं सूरत हाल के ऊपर, मैं क्या करूं, आपकी पूरी ये मैं दिखा रहा हूं, इस वक्त भी 30-35 हज़ार लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहा हूं, टीवी के ऊपर चल रहा है कि इमदादी कार्रवाइयां जा रही हैं। नहीं, कहां पे इमदादी कार्रवाई है? कोई इमदादी कार्रवाई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल कहीं आगे होंगे नीचे होगी। 30-32 घंटों में हमसे तो पानी भी किसी ने नहीं पूछा 30-32 घंटे। यहाँ तक कि किसी ने ये भी नहीं कहा कि यार हीटर किस तरह चलाते हैं या इस तरह नहीं चलाना, या कोई हम आपके साथ हैं, कोई तसल्ली के अल्फाज कोई बंदा नहीं है। ये जब वो बात हुई अल्लाह ताला उनकी मगफरत की, उसके बाद कुछ हुआ है कि वहाँ इंसान है या कुछ उनका करना है मीडिया पे देख। मेरा घर साथ है जी, पहले भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, आपको किसी चीज की जरूरत हो आप आ जाइए। बहुत शुक्रिया। 150 बंदा तकरीबन मेरे पास है, मुझे वो इशू नहीं है, बस निकलना था तो इस वजह से। आप गाड़ी दरमियान में है? अच्छा, तो ना तो बैक हो सकते हैं, ये रीजन है, ये रीजन है। बहुत शुक्रिया। बस किसी चीज की जरूरत हो, खाने पीने हमारे पास। ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मुझे ये कोई ये कर देगा? वो होते हैं ना, मैं 2 पर्चे खा चुका हूँ हमारी माफिया की तरफ से, सच बताने के ऊपर 2 FIR खा चुका हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि 10 और भी हो जाए, वही है। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिलो मंतशा। तो सच बताना, सच दिखाना बहुत बंदों को तकलीफ देता है। ये मनाजिर जो मैंने दिखाया, अभी आपने देखा, एक बच्चे की डेथ हुई है, उसकी माँ रोते हुए जा रही थी, बच्चे को लेके जा रही है, अभी आपने देखा नहीं है? इस रोड पे, हाँ, इसी रोड के ऊपर, हाँ, वो एक इधर से लेके जा रही है। तो एक वो रोती हुई जा रही थी और बच्चे की डेथ अभी हुई है इस ट्रैफिक जैम में, वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सके। तो यहाँ तो कोई आए ही नहीं ना, यहाँ इस रोड पे कोई बंदा नहीं आया। आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे पाकिस्तान आर्मी से उम्मीद है, इंतजामिया से नहीं है। आई तो आर्मी आएगी बचाने के लिए, वही है जो हर मुसीबत में हमारे काम आती है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगी। तो मेरी पाक आर्मी से हाथ जोड़ के इस्तदा है कि खुदा के लिए यार, ये हमारे पाकिस्तानी हैं, ये हमारे ही अपने पिकनिक मनाने आए थे, मरी में बर्फ देखने आए थे, सियाहों की जन्नत इनके लिए जहन्नम बन चुकी है बर्फीली। यहाँ पे लोग आज जिंदगी सस के मर गई, ठटर ठटर के मर गई, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और 15 दिन से मैं चीख रहा था कि मरी में इस वक्त बर्फबारी होगी, आप ना आइएगा। नहीं यार, आप ना आइए, क्यों ना आए बंदे, आए वो स्नो ब्लिजर्ड है ना, बर्फानी तूफान में नहीं आ सकते आप, बर्फानी तूफान में आप नहीं आ सकते, क्योंकि रोड कंडीशन आपकी सुटेबल नहीं होती। एक्सक्यूज नहीं है कि बर्फ में ना आए, और उसमें ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, शदीद बर्फानी तूफान में ना आए। तूफान आया, गुजर गया, अब तूफान के 6 दिन बाद भी इनको मशीनरी नहीं मिली, और ये तूफान तो आज खत्म हुआ है ना, अर्ली हो गया, काम से आपसे रात का खत्म। हम लोगों ने दुआएं मांगी है, ये तूफान 2 दिन और चलना था, चले वो अल्लाह ताला ने हम गुनाहगारों की दुआएं मांगी है कि जल्दी थम गया। लेकिन लोगों को आप ये खूबसूरती दिखाने से नहीं रोक सकते, लेकिन खतरनाक मौसम से आप रोक सकते हैं कि जब मरी में होटल पूरे फुल बुक हो गए, मरी में पार्किंग खत्म हो गई है, गाड़ियों की जगह खत्म हो गई है, तब तो लोगों को नहीं आने देना चाहिए। भाईजान वहाँ पे टूल प्लाजा है, हाँ, यही बात कर रहा हूँ, पैसे लेते हैं, इतना सच ना बोले यार, इतना सच ना बोले ना, क्यों मुझे क्या, वही है ना, पैसे लेके गाड़ियां आगे जाती है, लोगों को मरने के लिए छोड़ा जाते हैं, आप मुझे जानते नहीं है ना। चले अच्छी बात है, मैं तो सच बोलने की कदर करूं, मैं खुद सच बोल रहा हूं, इतना जान लें कि मैं भी सच बोलता हूं। बस आप सच बोलें, आपने बहुत बड़ा सच बोल दिया है। ये बड़े बड़े लोगों तक ये लर्जा गया होगा, क्योंकि पैसे लेते हैं, मंथली है, कहां तक जाती है सबको पता है। चलें जी, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज तो लोग बहुत सच बोल रहे हैं, अल्लाह खैर करे जी, आज तो सच का यहाँ पे ये देखिए, ये जिंदगी यहाँ पे फ्रीज है, ये देखें ये बच्चे ये देखें यार, वो आगे गाड़ी वाले को दें, वो एक अच्छा गिरे हो, ये देखें कांच इसके साथ लगे हैं, ओहो हो ये देखें जी, ये मेरे बच्चे हैं, वॉलंटियर हैं, जो मेरे हमसाए हैं, ये काम कर रहे थे, ये गिरे हैं, इनके थर्मोस भी टूट गई और इनको ब्लड भी निकला है, इनको चोट भी लगा है। चलो बच्चा, इसको थोड़ा सा डिटोल वगैरह लगा लो। ये हालात हैं जी, ये मेरे हमसाए, मेरे नेबर, मेरी वॉलंटियर फोर्स यही है जो मेरे करीब रहते हैं, दोस्त अहबाब हमसाए, तो इनके ज़रिए चाय वगैरह, बिस्किट, स्नैक्स और चावल शावल और बहुत सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, जहाँ तक कैपेसिटी है, जहाँ तक हमारी इस्तेआत है। और वो बच्चे ज़ख्मी भी हो गए, आपने देखा कि उनको चोट भी लगी है। चुप रहती है ज़बान खंजर। आज ये सिर्फ और सिर्फ मरी वेदर के ऊपर आपको ये दिखाया जा रहा है, इस वेदर गुरु के ऊपर। ये मनाजिर आपको कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा होगा, यहाँ पे किसी की नुमाइंदगी नहीं है। इस वक्त भी 40 हज़ार के करीब लोग देख रहे हैं, 39 हज़ार के करीब।
میرا کون سا نیٹ ہے یہاں پہ؟ کوئی واقعی انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا لیکن ہمارا کام کر رہا ہے، بس یہ راز رہنے دے کہ ہمارا کون سا نیٹ ہے۔ زونگ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے، جیز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہم ڈالر مارتے ہیں جی، ڈالر سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ لیتے ہیں تاکہ دکھا سکیں۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پورا موبائل نیٹورک بند ہے۔ یہی چیز ہم سے پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب آپ کون سا انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں؟ وہ آپ سب نے دیکھا کہ یہاں سے گزرنے والے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ملک صاحب آپ کون سا نیٹ یوز کرتے ہیں۔ کرتے رہیں گے جی، دکھاتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ آگے تھوڑے تھوڑے کھول رہے ہیں یار، پریشان نہ ہوں، پاکستان آرمی آئی ہوئی ہے، آرمی آ گئی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ چلنا محال ہے، یہاں پہ چلنا ہی محال ہے۔ میں یہاں پہ چل نہیں پا رہا، وائپر وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، وائپر پکڑ گیا، کیونکہ میں نے اپنے جو سٹکے وغیرہ ہیں وہ کچھ لوگوں کو عطیہ کر دی ہیں، خود وائپر کے اوپر چل رہا ہوں۔ یہ مری گئے مناظر ہیں جی، 41,000 لوگ اس وقت بھی یہ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں۔ میرے ایڈمنز آج بڑے مصروف ہوں گے، ایڈمنز آج اسکرین شاٹ بنا رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے مری، ملکہ کوسار مری کے یہ حالات ہیں، اور یہ وہ مناظر ہیں جو ایکسکلوسیو ہیں، یہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اس کے لیے آپ کو پہاڑوں کی طرح حوصلہ چاہیے، پہاڑوں کی طرح بلند حوصلہ ہوگا تو آپ عوام کی مدد کے لیے نکلیں گے، نکل سکیں گے۔ اور میری تو روایت ہے کہ میں تو غریبوں کے لیے نکلتا ہوں، پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے، چاہے جب بھی برفے ہوں، فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں، نکل آتا ہوں، تو چین کرنا پڑے، گاڑیاں پھنسی ہوئی نکالنی پڑیں، فی سبیل اللہ ان سب کو آج تک نکالا ہے پہلے بھی، تو ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں جی۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان کی پرابلم حل ہو جائے گی۔ اس میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے اس گاڑی میں، میں اب ان کی